Hello everyone, welcome to Smartiee, the smart way of learning. So आज RRB का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे RRB JE 2019 ओके. तो आज RRB का क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और RRB JE का जो भी मतलब यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवाया है टेक का जो भी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का. तो यहाँ से आज मैंने नेटवर्क से स्टार्ट किया है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि नेटवर्क से मैंने सेलेक्ट किया है. क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि इस क्वेश्चन में आपको अगर यहाँ पर बहुत सारे चीज़ में यूज़ करूँगा, ओम्स लॉ हो गया, बहुत बेसिक चीज़ में सारे कुछ इसी में यूज़ कर दूँगा, जैसे कि करंट डिवाइडिंग रूल हो गया, ओम्स लॉ हो गया और बस यही दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे और भी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RRB JE के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन और ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर ये आपको वीडियो पसंद आए. तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इन द नेटवर्क जोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द करेंट, नंबर में फाइंड करना है द करेंट थ्रू द 20 ओम एंड 30 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली ओके. तो इस 20 ओम एंड इस 30 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे. और फिर यहाँ पर फाइंड करना है वी इक्वल टू, और यहाँ पर वी का वैल्यू भी फाइंड करना है, फिर टोटल पावर भी फाइंड करना है. तो ये सर यहाँ पर इसका क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. अगर स्टार्टिंग करें फाइंड करने की बात करें तो यहाँ पर एक करंट जा रहा है. सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक करंट जा रहा है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है. तो इस करंट का वैल्यू को फाइंड करना है. यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पीयर का ओके, इस 15 ओम रेजिस्टेंस में, और इस वी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ से सिर्फ करंट फाइंड करने जा रहे हो, सबसे पहले क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में करंट मेंशन है फाइंड करने के लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस दोनों करंट फाइंड करने में. तो आप इस पार्ट को अभी भूल जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को. तो सपोज दैट मैं इस पार्ट को भी भूल जाता हूँ, मैं वी पर फोकस करता हूँ कि मुझे वी सबसे पहले फाइंड करना है ओके. तो क्योंकि वी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है बहुत ईजी, यहाँ से सिंपल हो जाएगा. वी की अगर मैं बात करूँ तो वी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर बाय ओम्स लॉ. अगर मैं बात करूँ ओम्स लॉ, अगर मैं लिखूँ वी बाई आर, तो ओम्स लॉ तो पता है सबको क्या आता है. ओम्स लॉ क्या, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ओके. तो यहाँ पर मैं ओम्स लॉ की अगर बात करूँ तो ओम्स लॉ तो सिंपली ये होता है. अगर डिफिनेशन आप जानना चाह रहे हो तो डिफिनेशन आप बुक में मिल जाएगा, पर ओम्स लॉ के यहाँ पर आपको ये थ्योरेटिकली थोड़ा न्यूमेरिकली यहाँ पर यूज करना होगा. तो ये याद रखना होगा, ये फॉर्मूला आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ओके. तो यहाँ पर अगर आर यहाँ पर दिया हुआ वी बाई आर, तो यहाँ पर अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो ओम्स लॉ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाई RTH ओके. इक्विवेलेंट जो भी होगा रेसिस्टेंस का वो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग करंट मिल जाएगा. पर यहाँ से वी भी फाइंड कर सकते हैं ओके. तो वी भी फाइंड हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ वी पर फोकस करते हैं, वी को फाइंड करना है. देन ये अपने आप ही निकल जाएगा, आई का जो वैल्यू अपने आप ही आ जाएगा. पहले इस पर फोकस करो ओके. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा. बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है किस टाइप से इसमें अप्लाई करें, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसको बता रहा हूँ सॉल्व करना ओके. तो सबसे पहले ये दोनों रेसिस्टेंस है, तो RTH फाइंड करने के लिए पैलर करना पड़ेगा इन दोनों को टोटल. अगर फाइंड करना और भी डिटेल्स आपको देखना है पैलर सीरीज को, तो आप मेरे वीडियोज़ पर जा सकते हैं. नेटवर्क थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है मैंने वहाँ पर, उसमें सारे प्रोवाइड कर दिया है मैंने कैसे पैलर सीरीज कम्बिनेशन यूज़ करते हैं ओके. तो यहाँ पर दोनों को पैलर करेंगे. सबसे पहले R1 और R2 को पैलर करेंगे. तो यहाँ पर अगर पैलर करेंगे तो पैलर R1 R2 यहाँ पर वैल्यू, अगर पैलर में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली इसका फॉर्मूला इतना नहीं याद रखना है कि ऐसे हो गया. ये तो एक फॉर्मूला बेसिक सा होता है, ये फॉर्मूला R1 प्लस R2, पर एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं हम लोग N2 प्लस. अब N2 प्लस जो भी वैल्यू को हम जिस दो वैल्यू हो गए इन दोनों को पैलर करना है, तो ऊपर में उसको करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे में करेंगे उसको प्लस, और दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो ये आप याद रखिए N2 प्लस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो गया, आपको हमेशा याद रहेगा ओके. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20 × 30 और नीचे में डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20 + 30 ओके. और यहाँ से देखिए 20 + 30 मैंने लिख दिया, और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 600. इससे क्या मल्टीप्लाई 6 हो गया, यहाँ पर 00 इसलिए मैं 00 लिख दिया, और ये दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कैंसिल आउट ओके. और ये आंसर आ जाएगा 12 ओम.
यहाँ पर 12 ओम आ चुका है इसका आंसर। और अब जैसे ही 12 ओम यहाँ पर आ चुका है तो मैं इन दोनों रेसिस्टेंस को एक रेसिस्टेंस से यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। जब मैं न्यू सर्किट ड्रॉ करूँगा उसमें मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं न्यू सर्किट ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं न्यू सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ न्यू सर्किट, क्योंकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों को रिप्लेस करेंगे हम लोग। न्यू सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हो गया और यहाँ से जा रहा है ये। ओके, इसका वैल्यू 15 है। यहाँ पर एक करेंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, और यहाँ पर वैल्यू मैंने फाइंड किया अभी दोनों को पैरेलल किया, तो ये वैल्यू आपको आ रहा है 12 ओम। ओके, यहाँ पर आ गया, मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक कनेक्टेड है सप्लाई वोल्टेज, और ये जो पॉइंट ये बी है, और यहाँ तो सी पॉइंट है, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए। ओके, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, ये हो गया बी, और ये हो गया प्लस, ये हो गया नेगेटिव। और यहाँ पर देखो आप, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ तो दोनों सीरीज में है, तो इस करंट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि करंट जो होता है सीरीज में वो सेम ही होता है। तो इसका भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि 3 एम्पियर जो करंट यहाँ से जा रहा था वही करंट यहाँ से आएगा। तो जितना हम लोग सर्किट में सप्लाई देते हैं, जितना सर्किट में हम लोग करंट देते हैं उतना ही आना चाहिए, एक परफेक्ट सर्किट होता है। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर 3 एम्पियर दोनों जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो सीरीज हो गया, ये 3 एम्पियर हो गया, ये भी 3 एम्पियर हो गया। तो अब इस करंट का भी वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप दोनों करंट डिविजन रूल लगाएंगे और फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस वी का वैल्यू क्या आता है यहाँ पर। ओके, तो वी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस 15 प्लस 12 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 15 प्लस 12 करेंगे तो RTH फाइंड हो जाएगा, और RTH फाइंड होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला पे बाय ओम्स लॉ यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पे मैं जाए यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, R इक्विवेलेंट करके मैं लिख लेता हूँ, और इसको कर दूँगा 12 प्लस 15, ये आ जाएगा 27। ओके, ये आ गया 27, और यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पर देखो, अगर मैं ओम्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ, ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई स्क्वायर टू RTH, हम लोग ओम्स लॉ लिखते हैं ना, और यहाँ पर हो गया 3 एम्पियर, और वोल्टेज वहाँ पे तो पता नहीं अननोन है, और यहाँ पे RTH हम लोग अभी फाइंड किए हैं 27। तो यहाँ पर देखो सारे अननोन है, बस एक सारे नोन है, बस एक अननोन है। ओके, तो यहाँ से हम लोग इजिली वी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय ओम्स लॉ अगर जाएँ, बाय ओम्स लॉ अगर पता है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू आर, और यहाँ पे आई का वैल्यू है 3, और ये हो गया 27, और 27 हो गया, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 8। ओके, ये हो जाएगा 6, और इसको प्लस करेंगे 8 वोल्ट आंसर आ गया। ओके, तो ये वी का वैल्यू फाइंड हो चुका है, यहाँ पर वी का वैल्यू आ चुका है 81 वोल्ट यहाँ पर वी का वैल्यू आ चुका है। और यहाँ से अगर हम देखें इजली, तो इस सर्किट पर अगर हम जाए, आप मेन सर्किट पर अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ से आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हो, यानी दोनों करंट फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। तो पहले मैं इस सर्किट में बताऊँगा किस तरह से आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, एक यहाँ पर सर्किट भी ड्रॉ करूँगा, उसके बाद आपको करंट डिवीजन रूल का पूरा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ किस तरह से अप्लाई करो यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिलेक्ट करने का रीज़न भी यही था कि यहाँ पर आप ओम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर ये सर्किट डिवाइडेड करंट डिवाइडेड रूल भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर RTH पैरेलल भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए इन तक वीडियो को। मैं अभी आप बताने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पर फाइंड करेंगे करंट डिविजन रूल से। ओके, तो करंट डिविजन रूल में क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो, ये हो गया पैरेलल में करंट डिविजन रूल हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट हमेशा पैरेलल में ही डिवाइड होता है और सीरीज में हमेशा सेम रहता है करंट। ओके, तो पैरेलल में डिवाइड होगा करंट, तो यहाँ पर मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया आई, और यहाँ से मैंने दो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ओके, इसको मैंने कर दिया R1, और इसको कर दिया R2, और यहाँ पर हो जाएगा I1, और यहाँ पर हो जाएगा I2। ओके, यहाँ पर अगर मैं करंट डिविजन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे I2 का, सबसे पहले मैं I1 का वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ इस पर। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा, जो यहाँ पर जिसके अक्रॉस हम लोग करंट निकालना है, मान लो इस ब्रांच में मुझे करंट जाना है, तो उसकी जो अपोजिट साइड के जो रेसिस्टेंस होगा उसको मैं यहाँ पर, उस ब्रांच का जो रेसिस्टेंस होगा उसको यहाँ पर मैं इंटू करूँगा इस करंट सोर्स से। ओके, I इंटू R2, ये सिंपली सम में ऐसे ही चलेगा,
और नीचे जो हो जाएगा वो टोटल असिस्टेंस को प्लस कर देना है। ये प्लस हो गया यहाँ पे, हो गया, और यहाँ से आई के आई वन का वैल्यू निकल जाएगा। और आई टू का जब हम लोग सिमिलरली जब आई टू का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो सिमिलरली ऐसे हम लोग आर वन डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का आई टू का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर मैं अब करेंट डिवीजन रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं करेंट डिवीजन रूल को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, आई का वैल्यू मुझे पता चल चुका है 3 एम्पियर है, क्योंकि पैरेलल में होता है, सीरीज में होता है करंट सेम, और यहाँ पर करंट जा रहा है सेम, तो यहाँ पर मैं निकाल दूंगा इसका वैल्यू। यहाँ पर फाइंड हो जाएगा आई वन, मैं आई वन का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 3 एम्पियर यहाँ पर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर मैं इसके क्रॉस निकाल रहा हूँ, ठीक है, आई वन निकाल रहा हूँ, इसके क्रॉस निकालते हैं, यहाँ पर मैं इंटू करूँगा 30 से 30, और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करने की बात करूँ तो 20 प्लस 30 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आंसर आने वाला है, इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर होगा 16, नहीं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 50, ये आ गया डिवाइडेड बाय 50 हो गया, और यहाँ पर आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ईजिली, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, कैंसिल आउट इसको करेंगे 1.8 एम्पियर, तो आई वन का वैल्यू आ चुका है 1.8 एम्पियर। और यहाँ से एक और चीज़ अप्लाई हो सकता है, कैसे लग रहा है यहाँ पर आप अप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आउट गोइंग, ये आउट गोइंग, ये इनकमिंग, और दोनों को यहाँ पर प्लस माइनस करके इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले करंट डिवीजन से बता रहा हूँ, तो आई टू अगर आप करंट डिवीजन लगा रहे हो आई टू में, तो आप इसको कंसिडर करोगे यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर मैं आई टू का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो आई टू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली, यहाँ पर मैं यहाँ पर 20 इंटू 30, क्योंकि मैं इसके क्रॉस निकाल रहा हूँ, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अपोजिट ब्रांच से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 प्लस, नीचे में सिमिलरली 30 हो जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 60, और ये आ रहा है यहाँ पे 50 50 बाई 60, दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1.2 एम्पेयर। ओके, ये आंसर आ गया 1.2 एम्पेयर आ गया। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया, और यहाँ पर करंट डिवीजन रूल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो भी आई होगा वो डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, अगर आपको फाइंड करना है आई वन, तो आप अपोजिट ब्रांच का यहाँ पर असिस्टेंस लोगे, इसे इंटू कराना है, फिर दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो आई वन का वैल्यू होगा, और आई टू में सिमिलरली वही करना है। जो यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ याद रखनी कि जो जिस ब्रांच में लोग करंट निकालना है उसके अपोजिट साइड के ब्रांच का जो रेसिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कराना है आर को, आई को, ठीक है, और नीचे में प्लस कर देना है आर वन प्लस आर टू कर देना है। ये सिंपली एक करेंट डिवीजन का रूल है। और यहाँ पर मान लो अगर मैंने आई वन का वैल्यू फाइंड किया था 1.8, ओके, सिंपली यहाँ पर मैं केसीएल अगर अप्लाई कर देता, तो केसीएल में क्या होता है, ऑल द इनकमिंग करेंट आर निगेटिव एंड आउट गोइंग करेंट आर पॉजिटिव, तो आई का वैल्यू मैं यहाँ पर निगेटिव ले लेता, ये हो जाता है मेरा पॉजिटिव आई वन, और यहाँ पे आई टू भी हो जाता है मेरा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये भी इस ब्रांच से आउट गोइंग है। ओके, आई वन का वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड कर चुका था, आई वन का वैल्यू मेरा था 1.8 एम्पियर था, और आई का वैल्यू 3 एम्पियर है। ओके, तो यहाँ से मैं लेता -3 प्लस 1.8, और यहाँ से लेता मैं आई टू, अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर भी यहाँ पर सेम आने वाला है, 1.2 आने वाला है, ठीक है, आई टू इज 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप केसीएल अप्लाई करके भी इसको फाइंड कर सकते थे, पर मैंने करंट डिवीजन रूल जब मैं एक बार इसमें अप्लाई कर चुका था, मैं कंटिन्यूअस दोनों का ही करंट डिवीजन रूल से ही फाइंड कर लिए दोनों का वैल्यू। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर बहुत सारे बेसिक्स इसमें मैंने यूज़ कर दिए, जैसे कि यहाँ पर ओम्स लॉ मैंने यूज़ कर दिया, करंट भी यहाँ पर करंट डिवीजन रूल भी यूज़ कर दिया मैंने, और पैरेलल सीरीज तो यूज होता है, हर सर्किट में पैरेलल सीरीज यूज होता है, तो पैरेलल सीरीज का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, और बहुत सारे वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको इसी से रिलेटेड, जैसे नेटवर्क से हो गया, और बहुत सारे, अगर आपको बहुत और सारे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।